बिल्ले हैं मान लीजिए। वीवर्स ये देखिए, चिकन कितना अच्छे से अंदर से गला है, ये देखिए ये देखिए। बहुत टेस्टी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद आप सब ठीक होंगे। टेस्टी फूड में आप सबको वेलकम। आज मैं आप लोगों को खशखाश के चिकन पीस बनाना सिखा रही हूँ, एकदम यूनिक स्टाइल में और बहुत मज़े के बनेंगे इंशाल्लाह। आप स्टेप बाय स्टेप मेरे रूल्स को फॉलो करेंगे तो आपके भी चिकन पीस बहुत मज़े के बनेंगे। तो बनाने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन पुश करें, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अभी फ़िलहाल जो ये मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स लिए, ये ओवरनाइट इसको रेस्ट देने के लिए लिए, बाकी मैं आपको इंग्रेडिएंट्स मॉर्निंग में बताऊंगी। तो मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने 2 चिकन पीस लिए हैं लेग वाले, और ये देखें इनमें ये गहरे कट लगा लिए हैं, ये देख रहे हैं, ये दोनों पीस पर मैंने गहरे कट लगा लिए हैं। 4 टेबल स्पून मैंने योगर्ट लिए है, 3 टेबलस्पून हमें विनीगर सिरका चाहिए होगा, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिए, 1/4 टीस्पून मैंने टर्मेरिक पाउडर लिए, 1/2 टीस्पून मैंने ये चिली पाउडर लिए, 1/2 टीस्पून मैंने ये चिली फ्लेक्स लिए हैं, कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर चाहिए होगा, 1/2 टीस्पून ही हमें सॉल्ट चाहिए होगा। तो अभी हमें फ़िलहाल ये इसको मैरिनेट करके रखते हैं। सबसे पहले योगर्ट में ये सारी चीज़ें मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। पहले व्यूअर्स ये अच्छे से मिक्स कर लिए, अब सबसे पहले हम इसके अंदर 3 टेबलस्पून विनीगर डालेंगे, सिरका डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये जहाँ जहाँ कट लगाए ना, एक सेकेंड, उसके अंदर तक ही जाना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्पून की हेल्प से हम ये इसको अच्छे से मैरिनेट करेंगे ये इन कर्ड के अंदर। व्यूवर्स ये देखें, ये इसको मैंने अच्छे से मैरिनेट कर लिए, जहाँ जहाँ मैंने कर्ड लगाए थे ना उन कर्ड के अंदर मैंने विनेगर भी ऐड की है, और जो मैंने अभी बैटर बनाया था वो भी ऐड कर लिया। अब इसको हम पूरी रात के लिए मैरिनेट करके रख देंगे इंशाल्लाह, फिर मैं आपको मॉर्निंग में मज़ीद बताऊँगी कि इसके अंदर क्या क्या डालेगा। तो खशखाश सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम खशखाश वाले चिकन के पीस बनाना मैं आपको सिखा रही हूँ। ये देखिए, ये पूरी रात मैरिनेट करके रखा था और इसकी खुशबू बहुत मज़े की आ रही है, मसाला इसके अंदर अच्छे से जज्ब हो चुका है। ये 1 टेबल स्पून मैंने खशखाश लिए पॉपी सीड्स, और उसको ऐसे बारीक पीस लिए मैंने। 1 मीडियम साइज़ का ऑनियन लिया था, उसको ब्राउन किया था और उसके बाद उसको ग्राइंड कर लिया था। ये लास्ट में गार्निशिंग के लिए कोरिएंडर लीव्स, लेमन, जिंजर और चिलीज चाहिए होंगे। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तकरीबन 8 टेबल स्पून जितना मैंने ऑयल लिया, और उसको कढ़ाई के अंदर गर्म होने पर मैंने लो फ्लेम पर चढ़ा दिया। लो फ्लेम पर मैंने ऑयल गर्म होने चढ़ाया हुआ था। सबसे पहले हम इसके अंदर ये खशखाश डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसका थोड़ा सा कलर हम चेंज करेंगे। जैसे ही खशखाश का कलर चेंज हुआ था, मैंने ये ब्राउन की हुई ग्राइंड की हुई ऑनियंस इसके अंदर ऐड कर दी थी, प्याज ऐड कर दिए थे। अब इसके साथ हम फौरन ही, अभी मैंने लो फ्लेम किया हुआ है, अब हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। मैरिनेट किया हुआ चिकन मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है। आधे घंटे के लिए लो फ्लेम पर कवर करके हमने इसको स्टीम देना है। अब मैं कवर करने लगी हूँ आधे घंटे के लिए लो फ्लेम पर। खशखाश वाला पीस, चिकन पीस हमारे रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं लाइट से इसके ऊपर कोरिएंडर लीव्स डालूंगी। आधा घंटा ये लो फ्लेम पे पका है। थोड़ा सा मैं ये जिंजर की पीस डालूंगी,
और ये थोड़ी सी ग्रीन चिली डालूँगी और इसको मैं डिश आउट करूँगी। खशखाश वाली चिकन पीस अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेडी है। ये मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।